नमस्कार किसान भाइयों, मैं विक्रम आपका स्वागत करता हूं हमारी एक और नई वीडियो में। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो है जो है फार्म ट्रैक शार्ट ट्रैक्टर के ऊपर। तो काफ़ी पॉपुलर ट्रैक्टर है किसान भाइयों के बीच में फार्म ट्रैक शार्ट, तो मैंने सोचा कि चलो इसके बारे में वीडियो बना देते हैं। तो किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे फार्म ट्रैक शार्ट की कुछ कमियों के बारे में और इसकी कुछ खास बातों के बारे में। किसान भाइयों को बहुत सारी कमियां भी जो इसकी फेस करनी पड़ती हैं, और जो कुछ इसकी अच्छी बातें हैं दोस्तों, तो वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले जो इस ट्रैक्टर की कमी आती है, मैं मानूंगा कि हर एक ट्रैक्टर में होती है, वो फार्म ट्रैक के में हार्ड क्लच पैडल, यानी कि क्लच पैडल जो हमारा होता है दोस्तों, क्लच जो हम दबाते हैं वो काफ़ी हार्ड होती है और कंपनियों के और ट्रैक्टर के मुकाबले। जो किसान भाई मतलब ऐसा काम करते हैं कि दिन दिन भर उनको क्लच का ज़्यादा काम रहता है, तो उनके लिए ये एक समस्या जो है सर दर्द बन जाती है। इसका क्लच पैडल जो बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाता है अगर आप लंबे समय तक क्लच रिपर वगैरह पे या किसी चीज़ पे भी चलाते हो, तो ये जो है इसकी एक सबसे बड़ी जो है एक समस्या है, जो कि लगभग सभी किसान भाइयों को जो है फार्म ट्रैक शार्ट ट्रैक्टर में जो आपको मिलती है। दोस्तों, अगली जो है कमी रहती है इसकी जो है किसान भाइयों का, वो ग्राउंड क्लीयरेंस की जो है, इसकी जो मतलब जमीन से जो इसकी ऊंचाई है दोस्तों, वो कमी जो है किसान भाइयों को सबसे ज़्यादा रहती है। कुछ ऐसे एरिए हैं जहाँ पे, जैसे राजस्थान जहाँ पे काफ़ी रेतीली मिट्टी है, तो उसमें यहाँ इसको क्या प्रॉब्लम रहती है कि मान लीजिए दो स्लिप इसने निकाली और नीचे से टिक गया, तो ये नीचे से काफ़ी जल्दी जो है ट्रैक्टर टिक जाता है, पेट जल्दी इसका नीचे धरती पे लग जाता है। तो ये भी सबसे बड़ी कमी इसका कि ग्राउंड क्लियर जो इसका काफ़ी कम है। लेकिन हाँ, ये जो है इसको थोड़ा सा मतलब लग्जरियस मतलब आरामदेह चलने में काफ़ी मदद करता है, लेकिन इसका ये जो है नुकसान भी है। कमी नंबर दोस्तों इसमें जो अगली कमी इसके जो है दोस्तों, गियर में आवाज़ आने की है। मतलब क्या होता है, इससे कोई समस्या नहीं है कि कोई ट्रैक्टर में खराबी आ गई या कोई आ जाती है, लेकिन इससे क्या है दोस्तों, बस ऐसे सुनने में अच्छा नहीं लगता। जब भी हम पहली बार गियर लगाते हैं तो एकदम से जो है, कई ट्रैक्टरों में, सभी में नहीं है, कई ट्रैक्टरों में जो गड़क आवाज़ आती है, तो ये भी जो है काफ़ी चिड़चिड़ापन जो है किसान भाइयों कर देती है, काफ़ी अच्छी नहीं लगती। तो एक ही दोस्तों ये भी जो है इसकी कमी है, जब भी हम गियर लगाते हैं पहला या दूसरा, मान लीजिए हमने दूसरा गियर लगाया तो ये आवाज़ करेगा गड़क, निकाल के दोबारा लगाएंगे तो आवाज़ नहीं करेगा। तो दोस्तों ये भी एक इसमें जो गियर में आवाज़ करने की जो कई किसान भाइयों को समस्या आ रही है, और हम मानते हैं कि ये भी समस्या जो है इसकी काफ़ी बड़ी है। तो किसान भाइयों, अगली समस्या है इसकी, इसकी रेस पैडल और जो है इसमें रेस पैडल और पांव वाली रेस, इनमें जो है काफ़ी समस्या है। इसमें क्या समस्या है मैं आपको बताता हूँ कि जब भी हम एक तो जो इसकी दोस्तों जो पैडल है इसका काफ़ी मगराड की साइड दिया हुआ है, जो कि दबाने में मतलब पैर कम्फर्ट में नहीं रहता वहाँ पर। पहले जो पुराने मॉडलों में आती थी वो रेस सही थी, तो जो है वहाँ पर दिक्कत आती है। और एक दूसरा दोस्तों, इसका जो है रेस की जो डंडी होती थी हमारी, पहले ऐसे ऊपर से जाती थी, इन्होंने फिर क्या किया कि अगर ये ऊपर से ना जाए तो नीचे से कर दिया। लेकिन उस रेस में दोस्तों क्या कमी आती है इनकी में, कि वो अटक जाती है कई बार, जैसे रेस देते हैं ट्रैक्टर की रेस ज़्यादा करते हैं तो वो वहाँ पर जो है अटक जाती है, तो उसमें भी दोस्तों जो है ये मतलब बार बार फिर वो ऐसे दो तीन बार आगे पीछे रेस करके जो है वापस से नॉर्मल करनी पड़ती है। तो दोस्तों ये तो, और इसकी दोस्तों कुछ जो है टुच मुच जो छोटी छोटी कमियां मैं आपको और बता देता हूँ दोस्तों। कई किसान भाइयों की जो दोस्तों सो है जो इसकी, वो काफ़ी टाइट है, जो जब हम उसको नीचे करके जो बंद करते हैं तो वहाँ पे जो काफ़ी टाइट रहती है वो, और कई भाइयों का जो टंकी के पास से जो है इसमें गैप हो जाता है। और दोस्तों जैसे इसका लाइन जो इसकी कई बार आउट हो जाती है जल्दी से, एक ये छोटी सी प्रॉब्लम है। और भी इसकी जैसे एक दोस्तों जो इसकी राड है दोस्तों अंदर, ब्रेक पैडल की और जो क्लच पैडल की, वो दोस्तों एक ही राड से कनेक्ट है, तो जैसे कई बार कद्दू करते वक्त या ट्रैक्टर जो कई दिनों से मिट्टी में फंसा रहता है, धस जाता है, तो उसमें क्या रहता है दोस्तों कि हम जब क्लच दबाते हैं तो दोस्तों साथ में ब्रेक भी जो है नीचे दब जाते हैं, तो उससे भी दोस्तों जो है काफ़ी समस्या आती है कि वो जाम हो जाते हैं ब्रेक, और जो है क्लच जब हम दबाते हैं तो उसके साथ ही जो है इसके ब्रेक दबते हैं। और दोस्तों एक जो है इसकी साइलेंसर के जो हीट गार्ड है दोस्तों, इसका जो साइलेंसर के नीचे लगा हुआ है, उसके नट जो है दोस्तों काफ़ी खुलते रहते हैं। अब दोस्तों इसकी ये थी इसकी जो हमने बताया कि कुछ कमियां थी इस ट्रैक्टर में। अब दोस्तों इसके साथ साथ हम इसकी कुछ खास बातें भी हैं जो दोस्तों हम आपको बताने जा रहे हैं। खास बात दोस्तों इसमें है, पहली खास बात ये है कि इसमें बिल्ड क्वालिटी दोस्तों, तो
किसान भाइयों, इसकी जो बिल्ड क्वालिटी में मानता हूँ काफी मजबूत है, पूरा ट्रैक्टर काफी हैवी दिया गया है, तो कहीं पे भी इस मामले में जो है कोस्ट कटिंग फार्म ड्रैग ने नहीं की है। खास बात नंबर दो किसान भाइयों, इसकी लिफ्ट, दोस्तों लिफ्ट के मामले में मानता हूँ कि इसकी कैटेगरी में जो है इसके आसपास भी दोस्तों जो है नहीं है कोई, क्योंकि हमें मिलती है इसमें दोस्तों 2500 क्विंटल की लिफ्ट कैपेसिटी, जो कि बहुत ही ज़्यादा है, और ज़्यादा के साथ साथ दोस्तों काफ़ी हैवी और काफ़ी मजबूत जो है दिया गया। ऐसा नहीं कि कोई पतले लिंक मुड़ जाए, या काफ़ी हैवी, ऐसी हैवी लिफ्ट जो है मैंने किसी भी ट्रैक्टर की नहीं देखी, तो इस मामले में फार्म ट्रैक का कोई जवाब नहीं है, लिफ्ट के मामले में जो है ये नंबर वन है। किसान भाइयों, अगली इसकी जो है खासियत इसमें है कि इसको जो है इसकी पावर की, दोस्तों आजकल हमने देखा है कि दोस्तों काफ़ी मॉडिफिकेशन का दौर है, जॉन डियर होलैंड है, तो दोस्तों काफ़ी जो है लोग मॉडिफिकेशन कराते हैं, अपना ट्रैक्टर नया लेते हैं, लेकिन दोस्तों इसमें वो ट्रैक्टरों का क्या रहता है दोस्तों कि जॉन डियर होलैंड वो बिना मॉडिफिकेशन जो है इतने अच्छे नहीं चलते, उनमें मॉडिफिकेशन कराने के बाद ही चलाने में मज़ा आता है। लेकिन दोस्तों फार्म ट्रैक 60 में हमें ऐसी कोई समस्या नहीं मिलती, इसको मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, इसके अंदर पावर जो है बहुत ही ज़्यादा है पहले ही, तो इसको मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। किसान भाइयों को मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि इसमें पावर कम है, अगर आपके ट्रैक्टर में कोई कमी है तो अलग बात है, वरना इसमें जो है पावर के मामले में आपको ये ट्रैक्टर निराश कभी नहीं करेगा। खास बात अगली इसकी दोस्तों कम्फर्ट मामले की, दोस्तों कम्फर्ट मामले में जो है ये ट्रैक्टर काफ़ी आरामदेह है, मतलब ये काफ़ी कंफर्टेबल है और कंफर्ट के मामले काफ़ी आगे है। जब जो किसान भाई सारा सारा दिन जुताई करते हैं वो हमेशा ही बोलते हैं कि फार्म ट्रैक जैसा चलाई जो है कंफर्ट जो है किसी में नहीं है, जिससे ही किसान भाई हमारा जो है लंबे समय तक ट्रैक्टर चला पाते हैं। अगली खास बात है दोस्तों इसकी गियर बॉक्स की, दोस्तों इसका गियर बॉक्स काफ़ी हैवी और काफ़ी मजबूत है, EPI रिडक्शन के साथ ये ट्रैक्टर आता है, जिसमें आपको गियर की जो है 5 साल की जो है आपको वारंटी मिलती है, इसके गियर में जो है कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो फार्म ट्रैक 60 के बारे में। अगर आप किसी और ट्रैक्टर के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी या किसी इम्प्लीमेंट की जानकारी पाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जो है अपनी राय छोड़ दीजिए। तो किसान भाइयों आज की वीडियो में इतना ही, मैं विक्रम आपको अलविदा कहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।